राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम ब्रजवासी ब्रदर्स आज आपको लेकर के आए श्री मदन मोहन जी टेम्पल वृंदावन के अंदर, जो बांके बिहारी जी के बिल्कुल नज़दीक है। और ये मंदिर वृंदावन के सप्त देवालय मंदिर में आता है। सप्त देवालय यानी कि वो सात मंदिर जो आज से 550 साल पहले यह वृंदावन में जिनका निर्माण हुआ था, जहाँ भगवान की विग्रह स्थापित की गई थी। सबसे पुराने मंदिर ये किलानुमा मंदिर हम दर्शन करेंगे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और ये मंदिर क्यों है विशेष जब हम वृंदावन आते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस किलेनुमा मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। तो लेकिन किलेनुमा क्यों है, इसकी खासियत बताने से पहले आपको बता दूं, अक्सर आप मूवीज में या जो सीरियल्स आते हैं उनमें इस मंदिर के बारे में देखते होंगे। तो लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, एक लुक्का छुपी करके एक मूवी आई थी, उसमें भी ये मंदिर आपको दिखाया, आपने देखा होगा कार्तिक आर्यन और जो कृति सैनन शूटिंग में दिखाई देते, वो यही स्थान है, यही बैठ के वो शूटिंग पूरी आपको शूटिंग की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मंदिर की बात करने वाले हैं कि ये क्यों किलेनुमा मंदिर है। तो अगर आप वीडियोस में भी देखेंगे कि यमुना जी के बिल्कुल किनारे हुआ करता था, हालांकि अब यमुना जी जो हैं वो लगभग 500 मीटर दूर जा चुकी हैं मंदिर से, लेकिन फिर भी अब अगर मैं बात करूं कि यमुना जी 500 मीटर दूर हैं तो फिर किलेनुमा क्यों हो गया। किलेनुमा का कारण बताता हूँ, यमुना जी बिल्कुल मंदिर से सटकर बहा करती थी और किले कहाँ बना करते दोस्तों, जहाँ आसपास कोई नदी निकली हो, तो किले इस प्रकार के बनाए जाया करते थे। ये मंदिर इस प्रकार से किलेनुमा है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, हमेशा हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया और कब हुआ। मुल्तान के निवासी थे कपूरी जी, जो यहाँ वृंदावन में आए हुए थे। उन्होंने 1590 से 1627 के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया और किलानुमा इस मंदिर को बनवाया उन्होंने। किले से यहाँ पर एक स्टोरी और भी जुड़ती है कि बोलते हैं जो मंदिर आप देख रहे हैं इसके ऊपर सोने के कलश हुआ करते थे। जो कलश हुआ करते थे, एक बार एक चोर आया और उन कलश को लेकर वो उसने जुगाड़ लगाई कि इन जो ये कलश है सोने के, इनको हम चोरी कर लें। तो मंदिर के जो पुजारी जी थे उस समय, उन्होंने देख लिया, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो डर के मारे सोने के कलश लिए हुए ही बिल्कुल यमुना जी सटकर बहती थी, तो डायरेक्ट यमुना जी में कूद गया। तो जो राजा थे उस समय के, जिन राजाओं का शासन हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर इस किले के लिए जो चोरी हुए थे कलश, उनकी जाँच के लिए कि कहाँ गया आखिर वो कलश, तो जांच कराई, तो ना तो वो यमुना जी में मिले ना आगे कहीं मिले। तो बोलते हैं कि आज भी वह चोर और वो कलश यमुना जी में ही यही भूमि में समान हो गया। मंदिर की एक कथा और भी है जो औरंगजेब के शासन काल से जुड़ी हुई है। औरंगजेब ने जब यहाँ मथुरा में चढ़ाई करी मंदिरों को तोड़ने के लिए, मूर्तियों को तोड़ने के लिए, यहाँ वृंदावन में जब आया तो यहाँ मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, इस प्रकार के कई दो तीन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियों को लेकर के मंदिरों के सेवायत राजस्थान राजपूतों के संरक्षण में ले गए थे। इसी तरह श्री मदन मोहन जी जो हम अभी आए हुए हैं, मदन मोहन जी की विग्रह को भी राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम बार बार आपके लिए लाते रहेंगे। वृंदावन के जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके आपको दर्शन हम कराते रहेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की भजन स्थली, जहां स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन किया, 5500 साल पुराना वह पेड़ जो इमली तला के नाम से जाना गया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियो डालूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिए, बहुत शानदार वीडियो है।